अमेजन प्राइम पर रिलीज होने वाली फरहान अख्तर और मृणालिनी ठाकुर की फिल्म तूफान, इसका अब विरोध चल रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट तूफान। अब क्या है पूरा मामला और क्यों यह सब हो रहा है और कौन है ये लोग जो बॉयकॉट तूफान की मांग कर रहे हैं, उसके बारे में वीडियो में पूरी डिटेल में बात करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो में आप जो भी बातें सुनेंगे उसकी आपकी राय इस वीडियो के ऊपर ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फरहान अख्तर और मृणाल ठाकुर की जो फिल्म है वो एक बॉक्सिंग के ऊपर प्रेरित बॉक्सिंग के ऊपर आधारित है। इसमें फरहान अख्तर का जो रोल है वो एक बॉक्सर का है और जो हीरोइन है मृणाल ठाकुर वो एक डॉक्टर है। कहानी है एक डोंगरी के गैंगस्टर से लेकर एक बॉक्सर चैम्पियन तक की। एक गैंगस्टर कैसे एक बॉक्सिंग चैम्पियन बनता है, कौन कौन उसे प्रेरित करता है, इसी की कहानी है। अब ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरी कहानी है, यहाँ पे हमारे कल्चर को ठेस कहाँ पे पहुँच रही है वो मुझे नहीं लगता है। अगर इस कहानी में आपको कहीं पर लगता है कि भाई हमारी संस्कृति को ठेस पहुँच रही है तो मुझे बताइए कि कहाँ पे। अब जो गुंडा है वो एक बॉक्सर बन जाता है, अपनी अच्छी लाइफ गुजारता है, जो पहले थी बदतर लाइफ उससे एक अच्छी लाइफ गुजारता है और हमारे देश का नाम रोशन करता है, बॉक्सर बन जाता है किसी की प्रेरणा से, जो उसकी लवर है, जो डॉक्टर है उसकी प्रेरणा से वो एक अच्छा चैम्पियन बन जाता है। तो यहाँ पे हमारी संस्कृति को कहाँ पर ठेस पहुँची। अब मामला ये है कि जो ट्विटर पर ये लोग लिख रहे हैं कि बॉयकॉट तूफान, तूफान को बैन करो, वो उनका कहना ये है कि जो हीरो और हीरोइन यानी कि फरहान अख्तर और मृणाल ठाकुर के बीच का जो रिलेशन है वो हमारी संस्कृति को ठेस पहुँचाता है। ट्विटर पर जो लोग बड़े बड़े हस्ती हैं जो इन फिल्मों को बॉयकॉट कर रहे हैं, उन लोगों का आगे कहना है कि इन लोगों का जो मैरिज लाइफ है वो हमें हमारी संस्कृति के खिलाफ है, हमारे कल्चर के अगेंस्ट है। अब इसमें क्या पता नहीं कि उन लोगों ने फिल्म कैसे देख ली या फिर मेकर्स ने स्पेशल उन लोगों को फिल्म दिखाई जो फिल्म देखने के बाद अब ये बोल रहे हैं कि भाई इसको बॉयकॉट करो। ट्विटर पर कई सारे यूजर्स हैं जो लिख रहे हैं कि भाई बॉयकॉट तूफान, तूफान मूवी इज अगेंस्ट अवर कल्चर। एक यूजर ने तो ये भी लिख दिया कि भाई बॉयकॉट ऑल बॉलीवुड, बॉयकॉट बॉलीवुड मूवीज, बॉयकॉट तूफान। अब पता नहीं ये लोग को क्या मूवी में ट्रेलर में दिख जाता है कि सिर्फ ट्रेलर देख के ही इन लोगों को पता चल जाता है कि मूवी में क्या अच्छा है, क्या हमारी संस्कृति के खिलाफ है, कौन सा डायरेक्टर, कौन से फिल्म मेकर हमारी संस्कृति के खिलाफ यहाँ पे फिल्म में प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर कोई सीन दिखा रहे हैं जो हमारी संस्कृति को ठेस पहुँचाए। सिर्फ डेढ़ या दो मिनट के ट्रेलर से ये जो महान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो तरह के लोग हैं जो ट्विटर पर इस तरह के हैशटैग चलाते हैं किसी भी मूवी के रिलीज से पहले। या तो उसके प्रमोशन के लिए होता है जो शायद कहीं ना कहीं मेकर्स या फिर फिल्म की जो टीम है वो ऐसा शायद करवाती हो कि भाई इसका विरोध करो, इसमें ऐसा कुछ दिखाओ ट्रेलर में कि लोग विरोध करें या फिर लोग इस फिल्म को देखने आए कि भाई इतना सारा विरोध हो रहा है तो मूवी में ऐसा क्या है, तो इसके हिसाब से लोग मूवी देखें। या फिर दूसरे वो लोग हैं जो एकदम फ्री फोकट के बैठे हुए हैं और जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी नाम कमाना है, अपनी जो फेमस, अपने फेमस होना है खुद को, तो इसीलिए ये सब किसी भी मूवी चाहे पकड़ लो वो किसी भी थीम पर बनी हुई हो, चाहे वो कोई भी राजा महाराजों के बायोपिक हो या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर बॉक्सिंग के रिलेटेड हो या फिर आतंकवाद के रिलेटेड हो या फिर पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो, कोई भी मूवी हो, इसको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका विरोध कैसे किया जाए वही वो लोग देखते हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते और हमारे भारत देश पर पूरी तरह से बोझ है। यही लोग होते हैं जो किसी भी मूवी को विरोध करते हैं क्योंकि उसे अच्छी खासी नाम ना मिल सके या फिर उसको ट्विटर पर फेमस होना हो। बाकी मेरे हिसाब से कोई भी जो अच्छे सच्चे हैं
उस उन लोगों के पास टाइम ही नहीं है फिल्म का विरोध करने का। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात गारंटी देता हूँ कि कितना भी ट्विटर पर क्यों ना चले कि बॉयकॉट तूफान, बॉयकॉट बॉलीवुड मूवीज, लेकिन और नहीं सकेगा कुछ भी, क्योंकि ऐसे तो कई ट्विटर ट्रेंड आए और चले गए। बॉलीवुड की मूवी रिलीज होती है, हिट होती है, कमाई करती है, प्रॉफिट करती है, और उसके बाद जहाँ पे उसको रिलीज़ होना है ट्विटर टेलीविज़न पे या फिर OTT पे, वहाँ पे टाइम पे रिलीज़ हो भी जाती है। तो वैसे तो उखाड़ तो तुम लोग कुछ सकते नहीं हो, तो फिर खाली पोकट का चिल्लम चिल्ली करने से ट्विटर पे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि भाई हमें बॉयकॉट तूफान करना है तो कर लीजिए, वैसे होगा तो आपसे कुछ भी नहीं। तो इस मामले में आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।